रेस्क्यू का काम शुरू हुआ था और उसके लिए जो हमने मशीन एक जिसकी ज़रूरत थी, क्योंकि हमने देखा शुरू के अंदर जो रेस्क्यू शुरू हुई उसके अंदर हिस्सा कुछ गिरने लगा, इसलिए हमको लगा कि हमको उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नहीं तो और खतरा बढ़ सकता है। इसलिए एक मशीन लगाई गई जिसके अंदर कुछ रुकावट आई और एक नई मशीन अब काम कर रही है जिसकी पावर भी ज़्यादा है और जिसकी स्पीड भी ज़्यादा है पुरानी मशीन के मुकाबले। और हमारी कोशिश है कि ये कार्य 2-3 दिन में पूरा हो जाए, जल्दी भी हो सकता है, लेकिन आउटर लिमिट हम रख रहे हैं क्योंकि अगर कोई तरह की रुकावट आ जाए तो उसको भी दूर किया जा सकता है। और हम सब तरह के विकल्प इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी हमको सुझाया जाता है टेक्निकल उसकी फीजिबिलिटी देखकर, उसको स्टडी करके, ताकि सुरंग के अंदर जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, हमें उनकी सुरक्षा की ज़्यादा चिंता है, उस विकल्प को ट्राई करके इवैल्यूएट करके और इसके अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट जो हैं उनकी भी मदद ले रहे हैं। जिस देश के अंदर हमको कोई एक्सपर्ट मिलता है उनकी भी मदद ले रहे हैं। अपने यहाँ पर अलग अलग एजेंसीज हैं, रेलवे है, माइनिंग वाले हैं, दूसरे, उन सब की भी मदद ले रहे हैं ताकि सब तरह का कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जिससे कि बाद में हम कहें कि इसकी मदद लेनी चाहिए।